गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नाइन क्या है आपका? डाटा हैंडलिंग। क्या है चैप्टर नाइन आपका? डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में कुछ चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम क्लास फोर्थ फिफ्थ में भी पढ़ चुके हैं कि टैली क्या होता है ना। ऐसी कुछ ऐसी अलग अलग चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके। फर्स्ट होता है आपका रो डाटा। रो डाटा क्या होता है आपका? रो डाटा होता है व्हेन द डाटा इज कंपाइल्ड इन द सेम फॉर्म और ऑर्डर इन विच इट इज कलेक्टेड, इट नोन एज रो डाटा। जहाँ पे हम डाटा को क्या करते हैं, कंटिन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे क्लास के मार्क्स है, 10 में से आउट ऑफ 10 में से 1 रोल नंबर क्या है 5, 2 रोल नंबर क्या है 3, 3 रोल नंबर क्या है 7, 4 रोल नंबर क्या है 9। ये क्या है? मेरा रो डाटा है, जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड एज इट इज़ क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका एरे। एरे क्या होता है? द रो डाटा वेहन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब मैं इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊं, तो वो क्या हो जाएगा? मेरा एरे हो जाएगा, है ना। रेंज क्या होती है? रेंज क्या होती है आपकी? रेंज होती है द रेंज इज डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है अगर आपके पास है 5, 6, 7, ये 3 नंबर है, रेंज पूछे कि इनकी रेंज क्या है, तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें से माइनस करूंगी मैं सबसे छोटे वाला नंबर, क्या हो जाएगी रेंज इसकी? 2। जैसे आस्क यूर सेल्फ देखते हैं, आस्क यूर सेल्फ जो फर्स्ट है वो देख लेते हैं पहले, है ना। फर्स्ट आस्क यूर सेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा की रेंज बतानी है, 12, 15, 11, 10, 16, 18, 28, 38, 45, है ना। रेंज अभी अभी पढ़ी थी, आपके चैप्टर स्टार्ट होते ही सारा डेफिनेशन भी है। द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट स्कोर। हाइएस्ट कौन है इसमें से? 45। लोवेस्ट कौन है इसमें से? 10, है ना। दोनों को माइनस करोगे तो 35 क्या है आपकी? रेंज है। क्लियर है? 35 क्या होगी इसकी? रेंज। रो डाटा एरे डाटा की आप डेफिनेशन लिख लोगे, है ना। आपकी जो समरी दे रखी है बुक में, क्वेश्चन में, चैप्टर में, उसमें भी है आपके डेफिनेशन। धार देखो, ए डाइस इज थ्रो 10 times एंड फॉलोइंग आउटपुट वर री कवर्ड 5, 3। एक डाइस को उछाला गया तो आपके आउटपुट आए 5, 3, 2, 4, 2, 4, 6, 4, 3, 3। ये क्या है? आपके आउटपुट आए हैं। ठीक है, ये कह रहा है अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल। पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं इसको। कैसे लिखोगे? 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5 और 6 लिख लिए। ये किस में लिख लिए? मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। अब फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाती हूँ मैं इसकी। ये टेबल है मेरा, बीच में क्या होती है? टैली लिख दूँ। ये होगी मेरी, जो नंबर आए हैं मेरे, फ्रीक्वेंसी लिख लो या फिर नंबर लिख लो मेरे, नंबर। ये मेरा जो आउटपुट है वो है ना। 2 कितनी बार आया है? 2 times आया है। 3 कितनी बार आया है? 3 times। 4 कितनी बार आया? 3 times। 5 कितनी टाइम आया? 1 time। 6 कितनी बार आया? 1 time। टैली में 2 लिखे जाएगा ऐसे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 और 1। ये हो गई आपकी टैली। अगर 5 हो ना टैली में तो कैसे लिखा जाता है? 1, 2, 3, 4 और 5 का क्या होता है? क्रॉस। अगर 6 हो तो कैसे लिखा जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 में क्रॉस और 6, है ना। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम था। इसमें भी क्या बनानी है आपको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फ्रीक्वेंसी चार्ट आप बना लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में आपको बार चार्ट बनाना है। क्या बनाना है आपके पास? बार ग्राफ बनाना है आपको। गीवन है, ईयर गीवन है 2001 से 2002 तक, फिर 2002 से 2003 तक, 2003 से 2004 तक, 2004 से 5 तक, 2005 से 6 तक। ये आपको गीवन है चार्ट, है ना। अब आपको क्या है, ये बीच वाला, ये पॉइंट जीरो से शुरू होता है, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ये होती है हमारी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में ध्यान क्या रखते हैं? जो गैप स्टार्टिंग में हो जाएगा ना, वही गैप हम करते चलेंगे लास्ट तक। ठीक है, 5500 का गैप ले लें,
500, 1000, 1500, 2000, आपकी मर्जी, आप कितने का भी ले सकते हो। पहला है 800, 800 क्या होगा, 500 से ऊंचा मिलेगा और 1000 से नीचा, ये बन गया पहला। फिर है 975, इससे ऊपर मिलेगा 800 से और 1000 से थोड़ा सा नीचे मिलेगा, 1000 है यहाँ पे, 1000 से क्या मिलेगा, थोड़ा सा नीचा मिलेगा, हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये है 800 वाला, ये है आपका 975 वाला। उसके बाद आपका 1100, 1100 1000 से क्या मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, 1100 हो गया, 1000 से क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा। फिर 1400, 1400 का मिलेगा 1500 से थोड़ा सा नीचे मिलेगा, 1500 से नीचे मिलेगा थोड़ा, 1400। फिर 1625, 1625 1500 से क्या मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा। क्लियर है, ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन में, ये जो गैप है ना, जो फर्स्ट में है वही सेकंड में होगा, ये डिस्टेंस वही इसमें और वही इसमें। आपने ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर में ये डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सारे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं हम, सेकंड आस्क योरसेल्फ। उससे पहले तीन चीजें आपकी, मीन, मीडियन और मोड, है ना। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, अगर मान लो 1 2 3 4 चार ऑब्जर्वेशन है, मीन निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइड में 4, जो ऑब्जर्वेशन है उनका सम और कितनी ऑब्जर्वेशन में है वो डिवाइड में, ठीक है। मीडियन क्या होता है, बीच वाला नंबर, जैसे कि 1 5 7, बीच में कौन है, 5, ये क्या हो गया आपका मीडियन। अगर मान लो आपके पास है 1 2 3 4, बीच में अब कौन है, ये दो जने हैं बीच में, 2 और 3, इसका मतलब 2 + 3 / 2, 5 / 2, इसका मतलब कि 2.5 क्या है इसके बीच में। क्लियर है, जब एक नंबर है वो तो सीधा लिखा जाएगा, दो नंबर हो तो फिर क्या होता है, दोनों का सम बाय 2। क्लियर है यहाँ तक, ये होता है आपका मीडियन। मीडियन के बाद मोड, मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोड। जैसे कि 1 2 2 2 2 3, मोड क्या है इसमें, 2 है, क्योंकि 2 सबसे ज्यादा बार क्या हुआ है, आया है। क्लियर है यहाँ तक, देखो अब शुरू करते हैं हम सेकंड आस्क यूअर सेल्फ, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीन ऑफ द फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर किसके, 10 के, फैक्टर ऑफ 10, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं 10 के, कौन कौन होता है फैक्टर 10 का, 1 2 5 4 10, ये क्या है, फैक्टर है किसके, 10 के है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 5 + 10 / 4, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, ऐड करोगे 18 / 4, कैंसिल किया, 9 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 4.5, क्या आंसर आ गया, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है, फॉलोइंग टेबल शो द वेट, किसका वेट दिखा रहा है, 12 स्टूडेंट का, 64 वेट है 4 स्टूडेंट का, 70 वेट है 3 स्टूडेंट का, 72 है 2 का, 73 है 2 का, 75 है 1 का। ये आपका एक टेबल है जिसमें क्या दिखा रखे हैं, आपको वेट दिखा रखा है, आपको निकालना है मीन। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम करो, 64 कितने बच्चों का वेट है, 4 का, इसका मतलब 64 + 64 + 64 + 64, चार बच्चों का वेट आ गया। फिर प्लस में 70 कितनों का है, 3 का, 70 + 70 + 70, 3 बच्चे आ गए। प्लस में 72 + 72, 72 कितने का है, 2 का। फिर 73 + 73 कितनों का है, 2 का। प्लस का 75 कितने बच्चों का है, 1 का। टोटल कितने स्टूडेंट आपके, 12 हैं, काउंट कर लो चाहे नहीं भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। सम करोगे तो सम आ जाएगा 843 / 12, डिवाइड करोगे 70.25 क्या है इसका मीन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मोड बताना है। मोड क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए, 19 क्या है सबसे ज़्यादा बार आपका ऑब्जर्वेशन में, टेबल में 19 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसका मतलब मोड क्या है आपका 19। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या बताना है आपको, मीडियन बताना है, है ना, मीडियन बताना है आपको। मीडियन किसका, 38 70 48 34
42, 55, 63, 46, 54, 44, इनका आपको क्या बताना है भाई, मीडियन बताना है। मीडियन निकालने का जो सबसे फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है कि पहले या तो ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग में। असेंडिंग में लगा लेती हूँ, 34, 38, 42, 44, 46, 48, 54, 55, 63 और 70, ये किस में आ गए आपके, असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बीच में कौन दो हैं, ये कैंसिल यहाँ से, ये यहाँ से, बीच के कौन हैं, 46 और 48। इसका मतलब 46 + 48/2 है ना, क्या आ जाएगा, 94/2। इसका मतलब क्या आंसर है आपका, 47। क्लियर है, पहला मीडियन निकालने का पहला स्टेप क्या होगा आपका, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। एक नंबर बीच में होता तो सीधा वो आंसर हो जाता, दो नंबर बीच में है तो दोनों का सम बाय 2। क्लियर है, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव भी यही कह रहा है, मीडियन के ऊपर है क्वेश्चन। मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 11, 12, 14, 18, x + 2, x + 4, 30, 32, 35, 41 अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 24। ये कह रहा है कि आपको मीडियन दे रखा है आपकी बार कितना, 24, और ये असेंडिंग ऑर्डर में भी लगा रखा है। बीच वाले कौन है, दो, एक है x + 2 और एक है x + 4, यही दोनों है बीच में बिल्कुल। इसका मतलब कि x + 2 + x + 4 / 2 किसके इक्वल है, 24 के। ये कहता है ना, बीच वाले दोनों नंबर का सम डिवाइड में 2 किसके इक्वल होगा, मीडियन के इक्वल होगा। वही मैंने पुट कर दिया, क्या आ जाएगा, 2x + 6 = 24 × 2, कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में, 2x + 6 = 48, 2x = 48 - 6, 2x = 42, है ना, x = 42/2, कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 21। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम बाद में, आपके आज फर्स्ट आस्क योर सेल्फ और सेकंड आस्क योर सेल्फ के क्वेश्चन है टोटल 10 क्वेश्चन, होमवर्क में करो, कोई डाउट है तो डाउट टाइम में क्लियर कर लो।